नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 6 दिसंबर 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज का दिन जैसे चल रहा है वैसे चलाइए, कुछ खास उतार चढ़ाव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मैटर में जल्दबाजी अगर आपने करी तो वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। जिस तरह से जिस परिस्थिति के अनुकूल होकर आप परिस्थितियों में परिस्थिति वर्ष या परिस्थिति के अनुसार डिसीजन ले रहे हैं वैसे ही लेते रहिए। आपके लिए सिचुएशंस बिल्कुल ठीक हैं, चाहे प्रोफेशनली बात कहें, चाहे आपके पारिवारिक स्थिरता की बात कहें, चारों तरफ आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। बस आज के दिन सूझबूझ का परिचय देने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो सेकंड हाफ के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में रेस्टलेस ना होएं। जिस तरह से आप परिस्थिति को अनुकूल करना चाहते हैं आपने अपने लिए वो प्लेटफॉर्म में बैकग्राउंड तैयार कर लिया है। साथ ही साथ अगर आप अब गोइंग फॉरवर्ड प्लान करते हैं आर्थिक स्थिरता में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या बेहतर चेंज लाने के लिए, कामकाज के संदर्भ में कुछ नया काम करने के लिए, नौकरी चेंज करने के लिए, पदोन्नति के लिए, वो सभी आपके एफर्ट्स अब साकार या कारगर होते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपके लिए परिस्थिति अनुकूल है, मन आपका शांत है, विचारधाराएं आपकी प्रबल हैं, कॉन्फिडेंस लेवल शिखर पर बोल रहा है। जिस तरह से अनुकूलता के साथ आप चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन किया है, उसी तरह से चलते चलिए, आपको अपनी सभी चीज़ों में शुभ संकेत देखने को मिलेगा। हाउएवर, आज के दिन कम्युनिकेशन को थोड़ा सा क्लियर रखना है, निजी संबंधों में वहाँ पर हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, साथ ही साथ आप अपना आपा भी खो सकते हैं। तो सोच के समझ के शब्दों का प्रयोग करें, जल्दबाजी किसी भी मैटर में ना करें, आपको 100% अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जिस कॉन्फिडेंस के साथ कर्क राशि वालों आप चल रहे हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। इतने स्ट्रेस के बाद अगर आप चीज़ों को असेंबल या असिमुलेट कर पा रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है इन द लॉन्ग रन, या फिर अगले 3 से 4 महीनों में आपके द्वारा लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन या किया गया कोई भी एफर्ट इस समय आर्थिक स्थिरता के संबंध में हो, कार्य क्षेत्र में उन्नति या प्रबलता या सक्षम बनने के संबंध में हो, सारी परिस्थितियों में आप पॉजिटिव बने रहेंगे, उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, चाहे वो आपकी अपने आप से हो या दूसरों की आप से हो। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए नई चीज़ों को एम्ब्रेस करने का या एग्जीक्यूट करने का, पुराने पेंडिंग प्लान्स को बेहतरीन माना जा सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके चलते चलिए, कुछ नया उतार चढ़ाव करने की ज़रूरत नहीं है, स्थिरता को बरकरार रखिए। लंबे समय से चल रहा कोई प्रॉपर्टी विवाद अब साझा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कहीं लिखा पढ़त में आपसे कमी रह गई थी या कुछ कमी पेशी की वजह से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर पूरा नहीं हो पा रहा था, खासतौर पर उस परिस्थिति में जहाँ पर आप विदेश में सेटल होने की या विदेश जाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो वहाँ से अब आपको पूर्ण स्थिरता देखने को मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ आप कुछ नया मिलकर काम कर पाएंगे, आर्थिक स्थिरता और प्रबलतम होते हुए नजर आएगी, शिखर पर आप अपने आप को जाते हुए देखेंगे। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता हुआ माना जा सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूँगा, आज का दिन आपके लिए सुख सौभाग्य संपदा लेकर आ सकता है। आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी स्थिरता बनाने के लिए जो आपने पास्ट में एफर्ट्स करके रखे हुए थे, अब वो आपको पॉजिटिविटी या पॉजिटिव इंडिकेशन देकर जाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन आपकी यात्रा इंडिकेटेड है, ये यात्रा आपके स्ट्रेस लेवल्स को बैलेंस करते हुए जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं तो उसको होना बंद करिए, क्योंकि आपने एफर्ट्स जो करना था कर लिया, अब टाइम है जब आप उस एफर्ट्स के बेनिफिट्स को रीप कर पाएं। अगर आप पूरी तरह से पूर्णतः अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में, अपने लक्ष्यों में पाना चाहते हैं, तो आज के दिन स्थिरता के साथ एग्जीक्यूट करिए उन सभी प्लान्स को जो आप लंबे समय से सोच रहे थे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको और आपके परिवार के किसी वृद्धतम सदस्य की आज आपको परेशानी दे सकती है, तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की ज़रूरत है। और परिवार में अगर किसी बुज़ुर्ग की आपको लगता है कोई दवा चल रही है, तो उसमें आपको डॉक्टरी परामर्श या विमर्श करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य में अगर आप चाहें तो अध्यात्म का सहारा, योग या कुछ व्यायाम कर सकते हैं जो आपके मन को भी शांत रखते हुए जाए, जिससे कि आपके स्ट्रेस फैक्टर में भी पॉजिटिविटी बनी रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है। आपके किए गए सभी एफर्ट्स आपके लिए
पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। जो लोग सरकारी सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या साथ ही साथ सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं या जिन लोगों का कोई कार्यक्षेत्र के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, चाहे वो प्रमोशन से संबंध रखता हो या कार्यक्षेत्र में उन्नति से संबंध या दूसरी जॉब से संबंधित या विदेश में सेटलमेंट से संबंधित, वो सभी परिस्थितियां आज के दिन आपके लिए अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। कुल मिला के आज के दिन से आगे के रास्ते आपके लिए पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके चलना है। साथ ही साथ आपको नियम से चलने के लिए अपने आप को बाध्य करना पड़ेगा। संयोजित रहें, एग्जीक्यूट करें सभी पेंडिंग प्लान्स को। कहीं से मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है। संतान पक्ष से भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा होगा। कुल मिला के आज का दिन नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप करना या पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का माना जा सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब स्थिर होता हुआ नजर आएगा। कोर्ट केस में अगर कोई परिस्थिति आपके लिए नेगेटिव हो रही थी तो अब आपकी पोजीशन या फैसला आपके पक्ष में प्रभावशाली या पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। जल्दबाजी आज के दिन मकर राशि वालों, खासतौर पर पैसे के निवेश को लेकर अगर आप करेंगे तो आपके लिए नेगेटिविटी इंडिकेटेड है। सोच के समझ के चीज़ों को एम्ब्रेस करके आगे बढ़िए। साथ ही साथ उन सभी तथ्यों को आपको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको नेगेटिव बनाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन खान पान पे नियंत्रण रखिए, विशेष सावधानी बरतनी है अगर आप कुछ बाहर का खाते हैं तो। दूर दराज की यात्रा भी आपकी इंडिकेटिव है जो आर्थिक स्थिरता बनाने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। परिस्थिति अनुकूल रहेंगी कुंभ राशि वालों, इसमें कोई खास दोराय नहीं है। साथ ही साथ मन आपका शांत रहेगा और इतने दिनों से अगर आप रेस्टलेस चल रहे थे तो अब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। रिलेशनशिप में अगर मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो अब वो आप साझा कर सकते हैं। वहाँ पर भी कम्युनिकेशन या सामने वाला अब आपकी बात सुनने के लिए अब राजी होगा या समय निकाल कर अब आपकी बात पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, पॉजिटिव एक्शन होगा, कोई रिस्पॉन्स अब आपको मिलेगा और जहाँ पर आप एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में स्थिरता अनुकूल बनी रहेगी, जैसी चल रही परिस्थिति वैसी चलती रहेगी। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए परिस्थितियों को अनुकूल करा कर जा सकता है। आज के दिन आप अपने परिवार के साथ कुछ लंबे लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग कर सकते हैं, वो प्लानिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। जो लोग विदेश में सेटल होने के लिए इच्छुक हैं या विदेश में अपनी पॉजिटिविटी और अपने परिवार के हितों को ध्यान में रखकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या वहाँ पर रहना चाहते हैं, वो सभी परिस्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। कुल मिला के आपके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।